हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे फ्री एजुकेशन के बारे में जो कि अवेलेबल है यूरोप में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि करीब करीब 4 से 5 साल हमें हो गए इटली को प्रमोट करते हुए, और इटली एजुकेशन जो कि फ्री एजुकेशन है उसको आपके लिए हेल्प करते हुए और आपकी वीज़ा प्रोसेस, एडमिशन से लेकर सारी चीज़ें देखते हुए। तो इटली के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ तो फ्रेंड्स ये है कि वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में या टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलता है, जो कि सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका नहीं होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखोगे, जैसे सेपियांज है, रोमतोर वगैटा है, या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आप इटली के अंदर देखोगे, सब में करीब करीब 40,000 to 50,000 स्टूडेंट्स एवरी ईयर एनरोल होते हैं। और इंडिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इटली को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है इटली के अंदर वो आपको फ्री मिलती है, यानी कि आपको 100% तक स्कॉलरशिप वहाँ पर मिलती है। और साथ में कई स्टूडेंट्स, जो हमारे पिछले साल का एक्सपीरियंस रहा है कई सालों से, वो ये रहा है कि स्टूडेंट्स को जो फीस होती है उसमें तो स्कॉलरशिप मिलती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अकोमोडेशन में भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। और कोर्सेज की हम बात करें तो आईटी से रिलेटेड और साथ ही बिजनेस, आप किसी भी फील्ड में आप कोर्सेज चेक करें, वर्ल्ड की टॉप 100-200 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे अच्छा कोर्सेज आपको मिल सकता है। और साथ में बेनिफिट ये मिलता है फ्रेंड्स आपको कि सारे कोर्सेज इंग्लिश में टॉट होते हैं, यानी जो मीडियम ऑफ आपका इंस्ट्रक्शन रहता है वो इंग्लिश रहता है। यहीं पे जो स्टूडेंट्स यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं जा पाते फंड्स की वजह से, या फिर जो दूसरा रीज़न आता है उनका आइल्स की वजह से, तो यहाँ पे हमें आपको इंग्लिश जो आपको प्रूव करना होता है क्राइटेरिया, उसके लिए आपको कोई आइल्स भी नहीं चाहिए, ना आपको ड्यूलिंगो चाहिए। अगर आपने अपनी लास्ट स्टडी इंग्लिश में करी है तो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो लेटर है वो लग जाएगा। साथ ही अगर अभी आप आईवेल पे क्लिक करेंगे तो एक हमने पुराना वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए, करीब करीब 7 से 8 प्रोसेस के स्टेप्स हैं, वो अगर आप कंप्लीट फॉलो करेंगे तो आप नेक्स्ट ईयर फ्री एजुकेशन के लिए इटली जा सकते हैं। तो इस जो पुराना वीडियो है उसको चेक करें, और साथ में कैसे कैसे प्रोसेस हो सकता है उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें application02@meridian.org इस पर ईमेल करें आपकी डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ। साथ ही जैसे हम बताते हैं कि हम यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, वैसा इस प्रोसेस के अंदर नहीं रहेगा। इसमें करीब करीब 1,20,000 प्लस GST आपको चार्जेस देने होते हैं, जिसके बाद ही आपकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो पाती है। इनिशियली आपको एडमिशन के लिए एक छोटा अमाउंट होता है 20-24,000 के आसपास, वो आप डिपॉजिट करते हैं ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हम असेस करते हैं, और साथ ही साथ आपका एडमिशन लेटर भी उसी में आ जाता है। जब आपका एडमिशन लेटर आ गया, यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको 4-5 इंस्टॉलमेंट्स में ये पेमेंट करनी होती है। तो ये जो इटली का प्रोसेस है वो फ्री ऑफ चार्जेस नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनमें कोई किसी तरीके की आपकी काउंसलिंग चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए application02 पे आप मेल करें, application02@meridian.org। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स दिया हुआ है। तो इटली का ये बेनिफिट आप उठाइए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते यूके, कनाडा को, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको वास्ट एक्सपीरियंस मिलता है। और साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इटली का जब आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब्स भी अलाउड होती है, और उसके बाद में आपको 15 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलेगा। तो कई सारे बेनिफिट्स इसके हैं, और जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यू टू फंड्स, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ का इसमें स्पेशली ध्यान रखना फ्रेंड्स, कि आप जो अपना शो मनी करेंगे लास्ट में वीज़ा के टाइम पे, जो आपको 5-7 लाख रुपीज़ अकाउंट में शो करने रहेंगे, उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपके पेरेंट्स की या आपकी खुद की, यानी सोर्स ऑफ फंड्स क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर उनकी रेगुलर इनकम कहीं से आती है, तो वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा एम्बेसी को, तभी आपका वीज़ा आ पाएगा। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं है तो आपका वीज़ा आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि इटली के अंदर स्टूडेंट वीज़ा का रिजेक्शन नंबर जो है वो हाई है, अगर आप सोर्स ऑफ इनकम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो। और साथ में इसमें आपके वीज़ा के टाइम पे इंटरव्यू भी होगा। तो ये दो चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें ताकि आपका वीज़ा प्रोसेस और एडमिशन प्रोसेस स्मूथली हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यूस अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप application02@meridian.org पे ईमेल करें। साथ ही हमें टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।